हाथरस कांड के बाद से ही बाबा सूरजपाल फरार है और इस बीच न्यूज एटीन की टीम बाबा सूरजपाल के ससुराल पहुंची बाबा सूरजपाल के ससुराल एटा जिले के गुहटिया इलाके में है जहां बाबा के साले मेवा राम ने दावा किया कि हाथरस हादसे में बाबा सूरजपाल का कोई कसूर नहीं है वो हादसे के 35 मिनट पहले ही निकल गए थे बाबा के चमत्कार पर मेवाराम ने कहा है कि जल से फायदा होता है लोग लेकर जाते हैं उसे पीते हैं इसलिए लोग उनके वहां पर आते हैं इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बाबा और उनकी पत्नी प्रेमवती दोनों को बीपी और शुगर की समस्या उन्होंने ये भी दावा किया कि सत्संग में शामिल सभी महिला सेवादारों को बाबा सूरजपाल अपनी बहन मानते हैं न्यूज एटीन इंडिया पहुंचा है बाबा के ससुराल में और हमारे साथ इस वक्त मेवा राम हैं, जो काफी बुजुर्ग भी हैं और प्रेमवती जो बाबा सूरजपाल की पत्नी हैं उनके भाई हैं उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये कब से वहां पर बैठी हैं और आप लोग कितने भाई बहन पहले ये बताएं तीन बहन भाई दो बहने और अकेले हम पर भाई अच्छा बड़ा कौन है इनमें हम बड़े और प्रेमवती प्रेमवती बीच वाली हम हम तो छोटी प्रेमवती को आज माताश्री कहा जाता है जो हाँ, आपकी बहन है हाँ, हाँ, और वो मंच पर बैठी रहती है बाबा जी के साथ हाँ, देखेंगे कई सत्संग में हाँ, आप जाते सत्संग वगैरह में बहुत कम जा जाते हैं बहुत कम जाते हैं अच्छा खेती बाड़ी मानवा लो अकेले हम देख मंच बच्चा था भाई तैयार खेती बाड़ी कई तरह की चमत्कारिक बातों के दावे करते हैं वो लोग चमत्कारी देखो साहब ऐसा है चमत्कारी है तो कोई आदमी बता देता चमत्कारी फलानी सिद्धि है हम पर कोई कोई नहीं बताता है लेकिन वो तो बोलते हैं नहीं यह तो गलत बात है उनके वहाँ हैंडपम्प से पानी निकलता है जल जो निकलता है वो कैंसर ठीक कर देता है ना वो तो ऐसा है जल से सब फायदा है जल से जो फायदा है लेके जाते है, पीते फायदा तो लाखों भीड़ चलती है अच्छा इसलिए आते हैं लोग वहाँ हाँ तो आपको भी कोई चमत्कार ऐसा दिखाई दिया कभी उनका हम ना साहब देखो ना हम तो खाली सत्संग जाते जामदारी चमत्कारी किसी को आजकल कोई किसी संत या किसी भक्त है, है कोई अपने पता है नहीं नहीं बताएगा अच्छा आ, कोई बता बता दे दे हम बताया बताए नहीं मानते पास चमत्कार ऐसी कोई शक्ति ना हम चमत्कारी ना आए तो अति भीड़ क्यों होती है अच्छा चमत्कारी ना आए तो भीड़ क्यों होती है उनकी कई शादियां है नहीं साहब ये झूठ ये विपक्ष वाले जो झूठ बदनाम करते हैं एक ही शादी भाई ये शो मेरी बहन की प्रेमवती की शादी दूसरी कोई शादी ही नहीं भैया अच्छा ये हाँ। झूठ बोल रहे हैं सब कसूरवार किसे मानते हैं बाबा जी को लोग दोष दे रहे हैं न बाबा जी को दोष गलत देते हैं बाबा जी का कोई फाइल नहीं उसमें बाबा जी तो पैंतीस मिनट पहले चले आए थे